हेलो स्टूडेंट्स, आज इस पाइथन वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के कुछ और यूटिलिटी फंक्शंस को लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास हैं। तो नेक्स्ट जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो है इज एल नम। ये फंक्शन बेसिकली हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर एसटीआर में पड़े हुए सभी कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट हैं या नंबर्स हैं। आइए इसको यूज़ करके देख लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट रन करवा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमने पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन कर लिया। एसटीआर एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने डाल दिया एबीसी 1 2 3 एंड एसटीआर डॉट इज एल नम हमने कॉल किया। ट्रू दे रहा है हमें क्योंकि एसटीआर में सभी कंटेंट जो थे वो या तो अल्फ़ाबेट थे या डिजिट्स थे। अब मैंने एस टी आर का कंटेंट चेंज कर दिया है एंड एस टी आर डॉट इज एल नम यूज़ करते हैं हम, तो हमें क्या दे रहा है ये फॉल्स। आइए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इज अल्फा। ये हमें ट्रू देगा अगर एस टी आर के अंदर पड़े हुए सभी कैरेक्टर अल्फाबेट हैं। अगर कोई भी डिजिट या सिंबल आ गया एस टी आर में तो ये हमें देगा फॉल्स। जैसे इज अल्फा हमने यूज़ किया, अभी एस टी आर के अंदर अल्फाबेट के अलावा डिजिट और सिंबल भी पड़े तो हमें दे रहा है ये फॉल्स। नाउ यहाँ हमने केवल अल्फाबेट्स ही रखे। अब चेक किया एस टी आर डॉट इज अल्फा, ये क्या दे रहा है हमें ट्रू। आइए नेक्स्ट मेथड्स पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इज डेसिमल। इज डेसिमल हमें ट्रू देगा अगर स्ट्रिंग में पड़े हुए सभी कैरेक्टर डेसिमल कैरेक्टर हैं तो, अदरवाइज ये हमें फॉल्स देता है। लेट्स चेक एस टी आर डॉट इज डेसिमल, अभी क्या दे रहा है हमें फॉल्स क्योंकि एस टी आर के अंदर अल्फाबेट्स पड़े थे। नाउ हमने चेक किया 123 एस टी आर में साइन किया सॉरी एंड हमने चेक किया इज डेसिमल, ये हमें दे रहा है ट्रू। बट अगर आपने यहाँ पे कोई यूनिकोड कैरेक्टर रख दिया, जैसे सुपर स्क्रिप्ट में आपने डेसिमल वैल्यू दी, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपने पास मेथड है इज डिजिट। जैसे हमने असाइन किया एस टी आर इक्वल टू 123 एंड चेक किया एस टी आर डॉट इज डिजिट, तो हमें देगा ट्रू। फाइन, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इज न्यूमेरिक। तो इज न्यूमेरिक को टेस्ट करने के लिए हमने यूज किया इज न्यूमेरिक, यानी अगर सारे के सारे नॉर्मल जो हमारे नंबर्स हैं जैसे 1 to 10 जो रहते हैं, 0 to 9 जो रहते हैं वो, तब तो ये हमें देगा ट्रू। अदरवाइज अगर किसी और लैंग्वेज जैसे चाइनीज़ की काउंटिंग को हमने स्टोर किया है या किसी और हिब्रू की काउंटिंग को हमने स्टोर किया और इस न्यूमेरिक से टेस्ट करेंगे तो ये हमें ट्रू देगा। जबकि इस डिजिट से जब चेक करेंगे तो इस डिजिट हमें फॉल्स देगा अगर हमने नॉर्मल डिजिट्स की बजाय किसी दूसरी लैंग्वेज के डिजिट्स जैसे हिब्रू के डिजिट्स या चाइनीज के डिजिट्स डाले हुए हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इज आइडेंटिफायर। इज आइडेंटिफायर बेसिकली ट्रू देगा अगर एसटीआर में पड़े हुए कंटेंट से कोई वेरिएबल का नेम या कोई आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया एबीसी, एसटीआर डॉट इज आइडेंटिफायर हमने टेस्ट किया, यह हमें देगा ट्रू। बट अगर सपोज मैं यूज़ करता 2ABC, स्टार्टिंग 2 से कर दिया, आइडेंटिफायर 2 से स्टार्ट नहीं हो सकते, मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, दैट्स वाई हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। फाइन गाइस, इस डिजिट और इस डेसिमल का डिफरेंस समझाने के लिए मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ, मुझे एक बार एक कोड चेक करना पड़ेगा, दैट इज \U00B। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, तो ये सुपर स्क्रिप्ट 2 आ रहा है। जैसे मैंने लिया ये 2, तो ये 2 की पावर 2 दे देगा हमें। नाउ सपोज दैट मैंने ये एस टी आर जो है
उसमें डाल दिया स्ट्रिंग में बैक स्लैश यू डबल ज़ीरो बी टू। तो ये सुपर स्क्रिप्ट टू का कोड मैंने एस टी आर में साइन कर दिया। नाउ मैंने चेक किया एस टी आर डॉट इज डिजिट, ये हमें ट्रू दे रहा है चाहे सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म में पड़ा है तब भी। एंड यहाँ मैंने चेक किया इज डेसिमल से, अभी अभी हमें इस डेसिमल क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, क्योंकि डेसिमल के लिए प्लेन डिजिट्स होना जरूरी है। सुपर स्क्रिप्ट में या सब स्क्रिप्ट में आपने इन्हें डाल रखा है यूनिकोड फॉर्म में तो वो काम नहीं करता है, जबकि इस डिजिट यूनिकोड फॉर्म में भी टेस्ट कर लेता है डिजिट्स को। ओके गाइज, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन गाइज, थैंक्स अ लॉट।